साथ पहले खुशी के पल भी देखने को मिले और वो ये कि शिवाय के एक फोन पर रुद्र आ गया है गोवा, जहां पहले से मौजूद है भव्या और जिसे देख रुद्र को लगता है झटका। लेकिन जैसे ही चलता है उसे पता कि वो जा रही है हमेशा के लिए ये देश छोड़कर। रुद्र हो जाता है बेचैन और घुटनों पर बैठकर कर देता है अपने प्यार का इजहार भव्या के सामने। राइटर्स ने बोला कि आने दो वापस, मजा चखाते, तो एक ही बार में थप्पड़ी उड़ा दी और एक ही बार में क्या बोलते हैं अपने प्यार का इजहार भी करवा दिया। चलो अभी निकल के, वरना एक दो महीने और लग जाते हैं। बड़ा अच्छा, चलो आज भूल गया, फुल एंड फाइनल कर ही दिया। प्यार तो प्यार, रुद्र तो है भव्या से शादी करने के लिए तैयार। और देखिए ना इसे देख। इश्कबाज के सेट पर शूट किया गया एक और इम्पोर्टेंट सीक्वेंस, रुद्र और भव्या के बीच इजहारे इश्क का सीक्वेंस। देखिए कैसे गार्डन में बैठकर सब कर रहे हैं नाश्ता कि तभी अनिका करती है भव्या के इंडिया छोड़कर जाने की बात। बस फिर क्या था, भव्या से जुदाई की बात सुनते ही रुद्र हो जाते हैं बेचैन और रुद्र कर देते हैं इजहार इश्क। कहाँ चलो यार, अच्छा मेरी बात सुन। अरे भव्या, भव्या मेरी एक बार मेरी बात सुनो, भव्या तुम मुझे से छोड़ के नहीं जा सकती हो। भव्या प्लीज रुक जाओ, भव्या प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालांकि भव्या की नाराजगी फिर भी दूर नहीं होती और रुद्र अपने हैप्पी गो लकी अंदाज में भव्या को करते हैं प्रपोज। क्यों कहती है ना मैं बच्चा हूँ, मैं चलूँ ना, हाँ मैं हूँ ना, हमेशा ऐसा रहूँ ना, हमेशा ऐसा रहूँगा। मैं था तुम मुझसे 4 साल बड़ी हो, हमेशा रहूँगी, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम पुलिस वाली लैंग्वेज में बोलो, तुम कच्चे अंडे खाओ, तुम कुछ भी करो, तुम मेरे से क्यों अंडे खा लेना, पर भव्या प्लीज मुझे छोड़ दे। एक बार फिर इश्कबाजों की फैमिली में आने वाली है खुशियां। रुद्र और भव्या की शादी के बहाने ओबेरॉय मेंशन में फिर बजेंगी शहनाइयां। हमारा रूडी इश्कबाज बन गया है, कोई नहीं, वो कहावत है ना, देर आए तो दुरुस्त आए, दुरुस्त आए दुरुस्त। अच्छा सुनो, मैंने अभी से सोच लिया कि शादी में ड्रेस कोड होगा लाल कलर। और हम सारी बहू है ना एकदम सुहागपुर की जैसे लाल जोड़ा पहने, ठीक है। वेल, जहां एक तरफ अनिका और शिवाय घर में आने वाली खुशियों की दस्तक से ही इतने खुश हैं। कर कितना खुश हो जाती है भव्या। कल मेरी ज्यादा उम्र थी नहीं शादी की, बट कोई नहीं, अब प्लानिंग की है तो क्या पता शादी हो या क्या पता ना। वाह क्या बात है, अंत भला तो सब भला। लेकिन वी होप दैट कि जो भी कुछ अनिका के साथ चल रहा है उसे शिवाय जल्द ही ठीक कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो अनिका को खो दे।